बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आपको अपडेट देने के लिए नया नागाबाद फ्लाई ओवर ब्रिज की तरफ आ चुके हैं और हम उस हिस्से में जाएंगे जहाँ पर कल एक छोटा सा हादसा हुआ था और बीम की धराई के दौरान जो है वो बीम जो है वो नीचे की तरफ लटक गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई मज़दूर ज़ख्मी हुआ, ना कोई ट्रैफिक से गुज़रते हुए नीचे जो लोग होते हैं वो भी महफूज रहे। ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये वो बीम है जो पिलरों के ऊपर रखा जाता है और फिर इसके ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज की जो छत आती है, आप बिल्कुल इसके आगे वाला बीम देख रहे होंगे वो काफ़ी लंबा है और ये छोटा है। इसकी वजह ये है कि इसका आधा हिस्सा भराई के दौरान जो है वो नीचे की तरफ लटक गया था। एक्चुअली ये लोहे की शीटें वगैरह लगाई जाती हैं शटरिंग के लिए और नट बोर्डों से टाइट किया जाता है, तो मे भी पॉसिबल कि वो नट बोर्ड सही तरह टाइट नहीं हुए होंगे। तो देखते हैं, मैं वो क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त भराई हो रही है और भराई होने के दौरान ये जो है हिस्सा बीम का ये नीचे लटक गया और आप देख सकते हैं इसके साथ लोहे की शटरिंग लगी हुई है और मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ अब गिर रहा है। तो ये छोटा सा क्लिप हमने हासिल किया था आप लोगों को सही पोजीशन समझाने के लिए कि ये पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ लटक गया था और ये लोहे की शीटें हैं जो शटरिंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो जो नट बोर्ड जो मैंने जिक्र किया कि नट बोर्डों से टाइट होते हैं, नट बोर्ड ढीले रह गए होंगे, ये गफलत है जो ढीले रह गए थे, तो उस वजह से जब मटेरियल इस पर डला तो ये एकदम लोड पड़ा तो ये नीचे की तरफ लटक गया और वो नट बोर्ड टूट गए। तो एक्चुअली ये वजह थी जिसको अब आज बिल्कुल उस हिस्से को निकाल दिया गया है। मैं आपको दोबारा व्यू दिखा देता हूँ उस हिस्से का। ये देखें आप, इस हिस्से को अब निकाला जा चुका है और इस वक्त क्रेन भी लगी हुई है और मज़ीद जो है इस पर काम जारी है और उसको फिर नए सिरे से जो है शटरिंग लगाई जाएगी और फिर इस बीम की भराई की जाएगी। तो असल वजह ये थी कि जो लोहे की शटरिंग होती है वो नट बोर्डों से टाइट होती है, वो ढीले रह गए होंगे, उसकी वजह से जो है ये मसला पेश आया। आगे की तरफ चलते हैं, जब यहाँ तक आएँ तो आगे भी चल के देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है नया नागाबाद फ्लाईओवर ब्रिज का। हर तरफ आपको मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर नुसरत भुट्टो कॉलोनी से थोड़ा आगे की तरफ आए हैं बाड़ी की तरफ और सामने मशीनें भी लगी हुई हैं, जो कि इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी कि ये बाड़ी जो है कटिंग होगी और इस कटिंग के बाद ये ब्रिज जो है यहाँ से टन लेगा सीधे हाथ की तरफ, जहाँ आप बाड़ी देख रहे हैं मशीनें लगी हुई हैं। और आगे चल के मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये आपको उस वक्त सूर्य सामने है लेकिन ये मशीन पहाड़ी पर लगी हुई है, दो दो तीन तीन मशीनें हैं जो वर्किंग कर रही हैं और इस पहाड़ को काट रही हैं। साथ के साथ मलबा भी उठाया जा रहा है। हम वहाँ से वापस आगे से टन लेते हैं और आगे जो काम हो रहा है वो भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो असल जो वजह थी यहाँ पर दोबारा आने की, आपको अपडेट देने की, वो एक छोटा सा हादसा था जिसकी वजह से हमें आपको अपडेट देनी थी और पूरी पोजीशन मालूम करनी थी एक्चुअल हुआ क्या था, तो वो तमाम तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब ये नुसरत भुट्टो से यहाँ तक आते हुए ये काम आ चुका है फ्लाईओवर ब्रिज का और लेबर भी यहाँ पर काम कर रही है और ये पहाड़ जो कट रहे हैं इसको तोड़ के जो है रोड़ी वगैरह बनाई जाती है जो कि बेसमेंट की भराई के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से हम वापसी का सफ़र करना शुरू करते हैं अपना और ये वो मनाजिर हैं नया नागाबाद फ्लाईओवर ब्रिज के, नुसरत भुट्टो कॉलोनी के। आगे भी एक क्रेन काम कर रही है, उसका भी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। बड़ी क्रेन लगी हुई है, ये देखें यहाँ पर भी क्रेन लगी हुई है और काम जारी है।
वो एक छोटा सा गफलत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और शर्टिंग लगाते हुए नट बोल्ट वगैरह हर चीज़ का दोबारा ज़्यादा लेना चाहिए और फिर मटेरियल भरना शुरू किया जाना चाहिए। तो ये थी नया नाज़ाबाद फ्लाईओवर ब्रिज की अपडेट। यहाँ से हम वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये अपडेट और ये तफसीलात पसंद आई होंगी, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि नया नाज़ाबाद ब्रिज पर, फ्लाईओवर ब्रिज पर कौन सा हादसा क्या हुआ है, उसकी तफसीलात दें। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर अपडेट देने आपको आए थे। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ के बाद हम यहाँ पर आए थे, और आज 27 जनवरी 2023 है। तो यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।